मजे की बात यह है कि ये मेरे अब्बू की साइड की फैमिली है फैमिली है हाँ, लेकिन वसीम भाई वो ओपनिंग जो सेरेमनी जो होती है वो नहीं हुई। क्यों नहीं नहीं हुई ना, मैं समझ नहीं। तो पूरी रात पंखा बंद करके नूरा फतेह का इंतजार करता रहा कब आगे वो करेगी हाय गर्मी ऐसे आपको ऐसे ओपनिंग नहीं हम हम कह रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए लेकिन हाँ। वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे आप कह रहे हैं। गर्मी में तो मैं गर्मी वाली हो ना, नूरा पता अच्छी लगेगी। मैं खाली बासित भाई की तरफ चला रहा हूं। आप मेरा स्टेप तो देखें। नहीं मैं ब्रेक में देखें थोड़ा सा। नहीं नहीं बच्ची तो बासित भाई जरा ये बासित भाई आपको दिखाओ आपको मजा आया। मुझे बात करने दो या ना मैं भूल जाऊं। याद कर रहा हूं। यानी आप इतने डिस्ट्रैक्ट हुए बासित भाई इस बात से। वो दिल में यही सोच रहे हैं बात बात में पहले। मुझे रात वाले प्रोग्राम के लिए आने के लिए सुबह से प्लान करना पड़ता है। आदि साहब क्या आदि भाई का सामना है अल्लाह खैर करे। अभी तो मैं कोट पहन के आऊँ, कल मैं ड्रॉप शोल्डर पहन के आऊंगा फिर आप देखिएगा। आपके इरादे खतरनाक आ गए। बासित भाई ये जो वीजा की भी बात की, अभी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है ऑफिशियल के भारत वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी करें। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत खेलों के साथ सियासत को ना मिलाए, पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी करें। अभी अगेन एज ए सेट ये बड़ी कुछ इसको हम आम टुच्ची हरकत नहीं है, छोटी हरकत नहीं है भाईजान। आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, आप होस्ट हैं, इवेंट आईसीसी का है, आप वीजे नहीं जारी कर रहे हैं, मतलब चिल्लड़ कि क्या हो रहा है? चिल्लड़ 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 हाँ। चमन नहीं हाँ। हाँ। जी अगर पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो जाता ना तो दूसरे मैच से हमें वीजे मिल जाते। अगर क्या होता पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का होता ना हाँ। तो हमें दूसरे मैच से वीजे मिल जाते। अच्छा असल में 14 तारीख को मैच है, डर बैठा हुआ है कहीं पाकिस्तान जीत ना जाए, हमारे वीजे में लोग इतने चले जाए तालियां सिर्फ हमारी तरफ से बजे। और ये बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया बल्कि इंडिया में ही असल में बहस कि जय शाह साहब जो कि बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, अमित शाह साहब के बेटे हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी के खास आदमी हैं, उन्होंने अपने बेटे को बस नवाज दिया है बीसीसीआई। और अब वो हमने एशिया कप में भी देखा, पूरी दास्तान है उसकी कि कितना अनप्रोफेशनल काम हुआ कि तय हो गया था कि अगला मैच दूसरे वेन्यू में होगा, तय हो गया था, और उसके बाद ईमेल आई कि नहीं जनाब बस मैच यहीं पर होगा। तो ये जय शाह साहब की भी पूरी दोनों तरफ इज्जत ही माहौल है। वहां पे भी बिरयानी के लिए लोग आ रहे हैं। मोहतरमा जो बता रही थी कि हम तो पाकिस्तान इंडिया का मैच में आए, बिरयानी मिलनी है, तो यहाँ पे भी यही जलसों में यही होता है हाँ। तो बहरहाल अब ये जय शाह साहब ने चूंकि आदि भाई जो है वो अपने खास साथ एक खास मेहमान भी लाए और शुएब जट साहब तो है हमारे साथ, जरा पाकिस्तान की कल की मैच की बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, फिर अगले सेकंड में मुमल जी से हमने बहुत सारे मासूमाना सवालात करने गपशप लगानी, लेकिन नहीं नहीं वो नहीं, नहीं गेम है, सिर्फ गेम पक्की बात है। हाँ, पक्की। सवाल आपके वायरल होते हैं। नहीं 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 गेम ओनली गेम हाँ ठीक है। तो जय शाह साहब के बारे में खुद भारत के ही एक मारूफ पॉलिटिशियन जो कि उनके मुखालिफ अपोजिशन पार्टी से है कांग्रेस से, वो क्या कहते हैं जरा दिखाई ये बहस यहाँ पे हो रही। आदि भाई आप भी किस मेहमान को लाए? वसीम भाई आज मैं जिस शख्सियत को लेके आया हूँ उसकी मैं क्या तारीफ करूँ? अच्छा वो तारीफ के लायक ही नहीं है, क्या तारीफ आप बताए? समझा बड़ी तारीफ शुरू करने वाले हैं। नहीं नहीं मेरा दिल करता है कि मैं आपको बताऊँ, बड़े मशहूर हैं वो। अच्छा बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, यकसा मकबूल, पूरी दुनिया में उनका इंतजार किया जाता है कि कब आएंगे, वाह वाह, और फिर उनको चपलों से मारा जाएगा। ये इंतजार करते हैं लोगों की इस तरह। अच्छा। जी जी अमिताभ बच्चन की दूर की औलाद, अमिताभ बच्चन की फिर अमित शाह मेरा ख्याल है। अमित जी वही है ना? अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो दो अलग अलग लोग हैं। अच्छा, अलग ताल्लुक नहीं आपस में। अमित जी की बहुत बड़ी पर्ची। अच्छा और सख्त पवे के बाद अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं जय शाह दा राजा। अच्छा जय शाह धन्यवाद धन्यवाद सर। वसीम आई वांट टू से समथिंग। अच्छा जी जी। जो अमिताभ बच्चन की जुगाड़ है उसका नाम अभिषेक है। अच्छा आपका दूसरा वो दूसरी जुगाड़ है माए दूसरी। चलिए हम आ गए तो आप बता दें कि क्या है इतना मेगा इवेंट है, तमाशाई भी नहीं है, मतलब क्या चाह रहे हैं आप? क्या तमाशाई आ रहे थे मैच के लिए आ रहे थे करीब करीब 1.5 लाख का फिगर था। 1.5 लाख लोग आ रहे थे। 1.5 लाख लोग आ रहे थे लेकिन जो मोदी के द्वारा जो हिंदुस्तान हो गया है तो रास्ते में कुछ माइनॉरिटीज की लिंचिंग आ गई तो उसमें तो वो लिंचिंग में लग गए तो आ नहीं पाए स्टेडियम में। सही है। मानो जी क्या बात है। वो ज्यादा अहम काम था ना, 5 लोग जले उसमें।
अच्छा वो आप लोग के लिए वो सर, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताएं कि जिस तरह गर्मी आती है, बारिश आती है, सर्दी आती है, आपको शर्म नहीं आती है? यार ये मेरे बारे में हर कोई ऐसी बात करता है, तो एक डैडी का क्या फर्ज बनता है कि वो जुगाड़ करे ना बच्चे की औलाद का ख्याल? एक्चुअली मेरे वीजों का, अच्छा जी आप बोले, डैडी और जो मोदी साहब है इन दोनों ने साथ में बहुत मुस्लिम लोग को मारा है, तो पुरानी दोस्ती है इनकी, ये हमें अंदाजा है। तो एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि बेटे तुम क्या करते हो? तो माई बोला मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो वो बोले कि तुम बोर्ड चला लोगे? अच्छा मैं बोला कैरम बोर्ड तो चला लूंगा। अच्छा आपने हाँ बोल दिया, आप कैरम बोर्ड समझे? वो मुझे इंडियन बोर्ड हवाला कर दिया। अच्छा और दूसरी ये वीजे क्यों नहीं दे रहे कि वीजे का क्या? अहम बात ये है कि वीजे के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं सारे लोग, खास तौर पे आपके शाहिद साहब, शाहिद हाशमी साहब, अच्छा शाहिद हाशमी साहब, हाशमी साहब, ये गलत अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये सारे लोग इंडिया के वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब अब हमारा नाम भारत है। अच्छा शायद भारत, तो भारत का आप भी जब भी करो ना तो भारत के नाम का कर। ये शोएब भाई ने थाईलैंड का अप्लाई किया वो अलग है, वहाँ से होकर आएंगे, वहाँ से होकर आएंगे, ये ट्रांजिट में थाईलैंड कर ले। जय साहब, जय शाह साहब जो हैं, ये क्या हैं? ये वो क्रिकेट के बीसी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा दिया बस। क्या जी? मुझे भी नहीं पता कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है। जनरल सेक्रेटरी है ना जरा बीसीसीआई। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मैं देखिए जरा शुएब साहब से पूछूं, जरा दिखा दे इंजमामुल हक साहब, हमारे अब जरा सिलेक्शन के फराइज उन्होंने अंजाम देने, चीफ सेलेक्टर है, वो भी पहुंच गए हैं आज, और अगर दिखा भी सकते तो दिखाइए। इनको वीजा किसने दिया? इनको वीजा मिल गया। तो अब ये चीफ सेलेक्टर की भारी जिम्मेदारी है इंजमामुल हक साहब के पास, क्या पहले आप बताएं शुएब साहब, कोई खबर वबर है कि क्या है? इंजी भाई ने अब कल के लिए प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है, उसमें कौन है कौन नहीं? वैसे तो इंजी भाई का ये काम नहीं है कि प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें, उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट करना था वो भेज दिया, अब टीम मैनेजमेंट जो टूर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका काम है। बट ये फिर भी पहुंच गए हैं, अभी बैटिंग सिखा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें और कर रहे हैं। अब अभी ना कंपेन शुरू होनी है, बहुत सारी बातें हमें अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग कहेंगे कि जी डीमोरलाइज कर रहे हैं, डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट सर जंग एक शुरू हुई है, उसका हिस्सा जो है ना वो एक ये भी है कि ये जो सर जंग शुरू हुई है। सर जंग, सर जंग, सर जंग मतलब सर पे चढ़ी हुई है जंग।